हेलो फ्रेंड्स। सो आज लॉकडाउन में देखते हैं कि सुमन जी अपने किचन में आज क्या बना रही हैं। हेलो, आज मैं बनाने वाली हूँ खीर, क्योंकि घर में लॉकडाउन में जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग मैं खीर बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें 2 लीटर मिल्क चाहिए। आपको पता ही होगा मिल्क में कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक कंप्लीट मील होता है मिल्क में। इट्स गुड फॉर मसल्स, गुड फॉर टीथ हेल्थ, गुड फॉर बोन्स। ये 2 लीटर मिल्क लिया है मैंने। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फास्फोरस, लैक्टिक एसिड, गुड फॉर स्किन, मतलब काफ़ी हाइड्रेट भी कर देता है स्किन को। और इसके लिए हमें चाहिए होते हैं फिर थोड़े से राइस। 2 लीटर मिल्क में मैंने 150 ग्राम राइस लिए हैं। चावलों में आपको पता ही है कि कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, और ये स्किन को ग्लो भी देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज सब होता है। अभी जब तक हम इसको मिल्क को थोड़ा सा बॉईल होने देंगे तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये केवड़े में मैंने केसर सोक कर लिया है, थोड़ी देर पहले ही किया है, बहुत देर पहले नहीं किया है। केवड़ा में बहुत सारे गुण होते हैं। ये हमें ठंडक तो देता ही है गर्मी से, हेडेक में आराम देता है, किसी भी तरह का फीवर हो उसमें भी केवड़े को पानी में मिला के लिया जाता है, उसमें भी आराम देता है। और किसी भी तरह के जॉइंट पेन्स हो उसमें भी केवड़ा बहुत आराम देता है। किसी भी हर तरह की ठंडाई में केवड़ा डलता है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देगा, खुशबू भी देता है। केवड़ा केसर दोनों में ही प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश में फ्लैक्टो, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, B6, के, आयरन, कैल्शियम, मतलब जितना चीज़ें मैं गिनवाऊँ वो बहुत कम है। बहुत कुछ होता है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। सेम ऐसे ही सब में ही ये प्रॉपर्टीज़ है। मैं थोड़ा सा बादाम ले रही हूँ, थोड़ा ये पिस्ता है, थोड़ा काजू है, और 2 इलायची का ये पाउडर मैंने ऐसे ही हाथ से पीस लिया है बेलन से। ये मैं डालूँगी। ये दूध में बॉईल आ गया है, अब मुझे लगता है इसमें ये राइस डाल देती हूँ मैं आराम से। आप कोई सी भी राइस ले सकते हैं, मेरे घर में जो अवेलेबल था मैंने वो ले लिया है। राइस मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। और कभी भी हम अगर दूध रखते हैं पकने के लिए या उसमें कुछ भी डाल के, अगर हम उसमें स्पून छोड़ देते हैं तो वो कभी भी दूध बाहर नहीं गिरेगा। आँच तो मीडियम रखना ही है, लेकिन उसमें स्पून हमेशा छोड़ के ही रखना है ताकि वो बाहर ना आए। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे कि वो नीचे ना लगे। ये 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए, देखते हैं इसमें क्या स्टेटस है राइस का। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको हिला देना चाहिए थोड़ा थोड़ा बीच में। 10 मिनट अभी और देखते हैं। तो 2 लीटर दूध का जब तक 1 लीटर ना हो जाए तब तक इसको ऐसे ही पकते रहने देना है। ऑलमोस्ट आधा हो जाए आपको पता चल जाएगा, वो थिक हो जाएगा। और राइस भी अभी है इसमें कसर काफ़ी। देखते हैं अब खीर का क्या हाल है, थोड़ा चलाते रहते हैं ऐसे। ये ऑलमोस्ट हो गई है, अब इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार चीनी डाल देते हैं। मैं 2 लीटर दूध में 1 छोटा बाउल शुगर डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचा लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि है। एज पर टेस्ट आप डाल सकते हैं, क्योंकि दूध की भी अपनी एक मिठास होती है, राइस की भी एक मिठास होती है, और ड्राई फ्रूट्स की भी एक अपनी मिठास होती है। और इसमें ये केवड़ा और केसर अब डाल देती हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। को चला देते रहते हैं,
खीर को रखे अराउंड 40 मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। किशमिश ये डाइजेशन के लिए और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें पूरा रिच ऑफ फाइबर, ऐसे ही आलमंड में भी फाइबर्स होते हैं। इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपने काटना हो आप काट सकते हैं। ये काजू डाल सकते हैं इसमें, कुछ लोग काजू नहीं पसंद करते वो नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, अच्छा लगता है। इसको मिला देंगे ऐसे। ड्राई फ्रूट्स में सब में फाइबर और काफ़ी अच्छा बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए। ये मैंने इसमें कार्डमम डाल दिया है, इलायची पाउडर, इसको मिला देंगे। आप देखेंगे केसर ने सारा अपना कलर छोड़ दिया है, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है और केवड़े की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस भी आ रही है। इसमें थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ ऊपर, बाकी डाल दिया है मैंने। ये ऑलमोस्ट डन हो गई है, मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ अब मिला के। और जो ये साइड में लग गया इसको सारा निकाल के अंदर कर देना है। 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, 45 मिनट्स हो गए। मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसको सर्विंग बोल में डाल देते हैं। इसको सर्विंग बोल में डाल देती हूँ मैं। इसको आप ठंडा करके भी खा सकते हैं, ये एकदम रबड़ी की तरह फ्लेवर देगी। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है केसर का, केवड़े की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, केसर की भी एक फ्रेग्रेंस है और इलायची की भी। ये ऑलमोस्ट रेडी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं इसको ये गार्निशिंग कर देती हूँ थोड़ा सा पिस्ते जो मैंने बचाए थे। ये गार्निशिंग के बाद हमारी खीर रेडी है। रेस्टोरेंट जायका एट होम विद सुमन। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।